इस लाल बटन को दबाइए और सब्सक्राइब कर दीजिए ओनली फॉर यू चैनल को और दबा दीजिए इस बेल को ताकि हर न्यूज पहुंच सके सबसे पहले आप तक। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भारत और आप देख रहे हैं आपका अपना ओनली फॉर यू चैनल। तो दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करने से पहले एक इम्पोर्टेंट बात, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब का बटन दबा दें, साथ ही साथ बेल का आइकन भी दबाना ना भूलें, ठीक है, ताकि हमारे वीडियोस के जो है नोटिफिकेशन आपको डेली मिलते रहें। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपको ये बताऊंगा कि आप अपने मोबाइल की स्क्रीन को गोल गोल कैसे घुमा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मुझे कई सारे कमेंट्स आते हैं और कमेंट्स में मुझे यही बात पूछी जाती है कि सर, आप जो है अपने मोबाइल की स्क्रीन को गोल कैसे घुमाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर आपको जरूरत होती है एक वीडियो एडिटर की। वीडियो एडिटर चाहे कोई भी हो, अगर उसमें इस तरह का एनिमेशन पैनल है कि जहां पर आप कोई चीज रोटेट कर सके, तो आप इसे जरूर कर सकते हैं। ठीक है, मैं दोस्तों यूज करता हूं अभी कैमथेसिया और फिलहाल मैंने प्रीमियर प्रो यूज करना चालू किया है। लेकिन अब जो है, अगर आप लोग सीखना चाहते हैं कि मोबाइल की स्क्रीन को गोल कैसे घुमाते हैं, तो ये ट्यूटोरियल डेफिनेटली आपके लिए है। इसके बाद दोस्तों मैं कैमथेसिया पर पूरा एक वीडियो बनाऊंगा, जो भी इसका यूज नहीं जानते हैं कि कैसे इसे यूज करते हैं, तो वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। इसमें कई सारी चीजें हैं दोस्तों जो कि काफी आसान है और एक बिगिनर के लिए, जिन्होंने अभी अभी अपनी यूट्यूब चैनल चालू की है या वीडियो एडिटिंग किया है, उसके लिए वर्ल्ड में इससे अच्छा सॉफ्टवेयर मेरे हिसाब से कोई नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप लोग ये कैमथेसिया का सॉफ्टवेयर पहली बार यूज कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं आपको सिंपली क्या करना होगा। इसे ओपन करने के बाद में आपको यहाँ पर राइट क्लिक करना होगा और इंपोर्ट मीडिया, अगर आपने आपकी कोई फुटेज तैयार रखी है, मोबाइल स्क्रीन रिकॉर्ड करके रखी है, तो आपको उसे कंप्यूटर में ले लेना है और यहाँ पर राइट क्लिक करके इंपोर्ट मीडिया पर क्लिक करना है। जो भी आपकी क्लिप जहाँ पे भी है उसे जो है सिलेक्ट करके ओपन कर देना है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने ऑलरेडी एक क्लिप लेके रखी है, यहाँ पर एक मीडिया पहले से इंपोर्ट करके रखा है, तो मैं सिंपली इसको इस तरह से नीचे पकड़ के ड्रैग कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने पहले से ही ड्रैग किया है, इसलिए मैंने इसे ड्रैग दोबारा नहीं किया। तो दोस्तों अब ये जो है आपके सामने इस तरह की वीडियो है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो पर्टिकुलर पोर्शन है इसे हम टाइमलाइन विंडो कहते हैं। हर वीडियो एडिटर में ये टाइमलाइन विंडो दी गई होती है। तो अब जो है ये मोबाइल है, ये स्क्रीन है और यहाँ पर जो है मैंने पूरा एक वीडियो रिकॉर्ड करके रखा है। तो दोस्तों चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि मोबाइल की स्क्रीन को गोल कैसे घुमाते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों सिंपली आपको क्या करना होगा, पर्टिकुलर एक पोर्शन पे जाना होगा। जैसे कि मैं इस पोर्शन पे आ जाता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मोबाइल की स्क्रीन जो है यहाँ पर घूमे, तो सिंपली जो है मॉडिफाई में जाना है। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं एक ऑप्शन है ऐड एनिमेशन का, ऐड एनिमेशन में जाने के बाद में यहाँ पर दोस्तों आपको लेना होगा कस्टम। ठीक है, या फिर आप शॉर्टकट भी अपने कीबोर्ड से दबा सकते हैं, शिफ्ट और ए। शिफ्ट ए दबाने के बाद में आपके सामने इस तरह का एनिमेशन पैनल, ये जो है की फ्रेम ऐड हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर मैं बता दूं कि ये जो की फ्रेम है, अब दोस्तों सपोज कीजिए मुझे इस मोबाइल को घुमाना है, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू को जो है चेंज करना होगा। तो अगर आप 360 यहाँ पर लिखते हैं तो ये पूरा एक बार घूमेगा, 720 लिखते हैं तो ये जो है पूरा तीन से चार बार घूमेगा। देखिए मैं यहाँ पर 720 कर देता हूँ। ठीक है, ये देखिए मैंने यहाँ पर 720 लिख दिया है। अब आप देखेंगे कि जैसे ही ये वीडियो में प्ले करूंगा तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मेरा जो है मोबाइल घूमेगा इस पोजीशन पे आने के बाद में। लेकिन ये देख सकते हैं कि काफी स्पीड में घूमा है। अगर आप चाहते हैं कि ये धीरे धीरे घूमे, तो बहुत सिंपल है, आपको यहाँ पर जाना है इस तरह का, जब एरो आइकन इसके ऊपर दिखता है, ये दो तरफ जो तीर के निशान है, आपको यहाँ से करके इसे जो है इससे थोड़ा सा बढ़ा देना है, तो अब जो है ये आराम से घूमेगा। ठीक है, देखिए मैं फिर से प्ले करता हूँ, ये आप देख सकते हैं कि काफी आसानी से जो है ये घूम रहा है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसने दो टर्न पूरे किए हैं। लेकिन जरा दोस्तों सोचिए, अगर आपको और बार इसे घुमाना है तो 720 का अगर मैं आपको डबल करके दूं तो यहाँ पर हो जाएगा 1440। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों 360, 720 यहाँ पर आपको डबल करते जाना है स्पीड बढ़ाने के लिए। ठीक है, क्योंकि एक बार घूमने के लिए जो है पूरा 360 लगता है, दोबारा घुमाने के लिए 360 प्लस 360 720। तो इस कंसेप्ट को आपको समझना होगा। 720 के मल्टीपल में आप कोई भी वैल्यू यहां पर दे सकते हैं, आप 7200 भी दे सकते हैं। ठीक है, 7200 देने के बाद में ये जो है काफी स्पीड में घूमेगा। तो अब मैंने यहां पर फिलहाल 1440 कर दिया है और इसे पकड़ के अगर मैं यहां तक ले आता हूं
अब ये देखिए, ये पूरा जो है मैं एनिमेशन को कहीं पर भी रख सकता हूँ। तब देखिए, चलिए मैं यहाँ से करता हूँ, अब मैं इसे प्ले करता हूँ तो आप देखेंगे कि ये कई बार घूमेगा। ठीक है, तो काफी अच्छा लग रहा है। इस तरह से जो है आप अपने वीडियो में कुछ हटकर दिखा सकते हैं, अपने मोबाइल की स्क्रीन को आराम से घुमा सकते हैं। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए एंड इसे अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूले, क्योंकि मैं इसी तरह से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके लिए लेके आता रहूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय।